साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, ई लेक्चर की इस श्रृंखला में आज हम MR-208 के चैप्टर 5 यानी सेफ्टी इंजीनियरिंग के सेक्शन 3 सेफ्टी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, उद्योगों में दुर्घटनाओं की आशंका के रोकथाम के मद्देनज़र हमने Part-1 में सामान्य सुरक्षा नियम तथा विद्युत सुरक्षा के सामान्य नियम के बारे में चर्चा की थी। आज हम पदार्थों के हस्तांतरण के सामान्य सुरक्षा सावधानियां तथा वेल्डिंग करते समय रखी जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, उद्योगों में पदार्थों या मटेरियल हैंडलिंग यानी पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में जो सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए उन पर बात करेंगे। उसके बाद में वेल्डिंग के दौरान रखी जाने वाली सुरक्षा सावधानियों को देखेंगे। साथियों, मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा रिस्की कार्य होता है, जिसके अंदर एक से अधिक श्रमिकों को इस कार्य को करना पड़ता है तथा कई बार एक व्यक्ति की गलती से अन्य समूहों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तथा किसी भी दुर्घटना के घटने का कारण बन सकता है। तो इस दौरान जो सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, आइए हम उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, सुरक्षा कार्य करने की आदतें कर्मचारियों में बने, इसके लिए समय समय पर उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था रहनी चाहिए, यानी उनको समय समय पर इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि कौन कौन सी सुरक्षित कार्य करने की आदतें हैं। सेकंड, श्रमिकों को इस बात का समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को किस प्रकार से उठाया व रखा जाए। थर्ड, यदि हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु पर नमी, धूल या फिसलने वाला पदार्थ जैसे ऑयल या ग्रीस इत्यादि लगा हो तो उसे हस्तांतरित करने से पहले ही उसकी सतहों को अच्छी तरह से साफ करके सूखा लेना चाहिए। फोर्थ, किसी भी पदार्थ के हस्तांतरण से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके हाथ पूरी तरह से साफ हों, यानी उन पर कोई ऑयली, ग्रीस या चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं लगा हो। तो इसमें हमने देखा कि जो पदार्थ हस्तांतरित करते हैं वह भी साफ होना चाहिए और हस्तांतरित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके हाथ भी पूरी तरह से साफ होने चाहिए। नेक्स्ट है, जो श्रमिक हैं उनकी पैरों की सुरक्षा के लिए उन्हें चमड़े के जूते पहनने चाहिए। उसके बाद में सिक्स्थ है, श्रमिकों को इस बात की समुचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वे किसी भी वजनदार ऑब्जेक्ट को उठाते व रखते वक्त अपने पैरों, घुटनों, शरीर इत्यादि की क्या पोजीशन रखें, क्योंकि वजन गलत ढंग से उठाने या रखने से मांसपेशियां खींच सकती हैं तथा शरीर में कहीं भी चोट आ सकती है। नेक्स्ट, हाथों में किसी भी प्रकार की चोट न लगे इसके लिए पदार्थ हस्तांतरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली युक्तियों के हैंडल पर चमड़े आदि का प्रयोग करके ग्रिपिंग बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्रम तथा बैरल जैसे आइटमों को शिफ्ट करते समय जहां तक संभव हो किसी भी प्रकार के मैकेनिकल लिफ्टिंग या कैरिंग डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। साथियों, पदार्थों के हस्तांतरण में अन्य जो सुरक्षा सावधानियां हैं उनमें आगे है, बहुत बड़े तथा भारी मशीनों या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रोलर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये रोलर्स मजबूत होने चाहिए,
तथा इतने लंबे होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट की साइडों से बाहर निकलें। नेक्स्ट, जब सामग्री को किसी ट्रक या किसी अन्य वाहन के द्वारा फैक्ट्री के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो उसकी स्पीड यानी गति को सीमित रखा जाना चाहिए तथा इस बात का विशेष ध्यान मोड़ों पर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मोड़ों पर दूसरी साइड से कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता और अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसके बाद में 11th है, किसी भी श्रमिक को इतना अधिक भार उठाने या लाने ले जाने नहीं देना चाहिए जो किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए। सरकार ने वयस्क, औरत तथा किशोर सभी के लिए अधिकतम भार निर्धारित किए हुए हैं। इसके बाद में इसी कंटिन्यूएशन में है, बहुत बड़े व भारी सामानों को इधर से उधर ले जाने लाने के लिए विभिन्न मशीनों जैसे होइस्ट क्रेन, पिलर क्रेन, कन्वेयर्स, एलिवेटर्स, पुली ब्लॉक, ट्रैक्टर, व्हील ट्रक्स आदि उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रमिकों को आवश्यक थकान व दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। साथियों, इसमें विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि होइस्ट क्रेन, एलिवेटर इत्यादि लिफ्टिंग मशीनों के कार्य क्षेत्र में जिस समय इस कार्य को किया जाता है उस समय उस स्थान पर व्यक्तियों का आना जाना कम से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, वे सभी उपकरण जिनका प्रयोग पदार्थ हस्तांतरण में किया जाता है समय समय पर चेक किए जाने चाहिए और उनकी मरम्मत तथा मेंटेनेंस अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये थी पदार्थ हस्तांतरण में सामान्य सुरक्षा सावधानियाँ। इसके बाद में हम वेल्डिंग पर चर्चा करेंगे। यूँ तो साथियों, वेल्डिंग एक उद्योगों में बहुत ही प्राय अपनाया जाता है, लेकिन आजकल काफ़ी नई टेक्निक्स भी आ गई इसमें। आज मैं इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग की ही चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो व्यक्ति तथा उपकरण की सुरक्षा के लिए जो प्रमुख सावधानियां रखी जानी चाहिए उनके बारे में बात करूंगा। पहला है, उसके अंदर वेल्डिंग किए जाने वाले स्थान के आसपास ऑयल, ग्रीस तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुएं पड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, वेल्डिंग स्थल के आसपास कहीं भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन प्रोसेस में चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अगर ज्वलनशील पदार्थ होगा तो दुर्घटना घट सकती है। तीसरा, वेल्डिंग करते समय सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आँखों पर चश्मा, हाथों में दस्ताने, शरीर पर एप्रेन आदि अवश्य पहनने चाहिए। फोर्थ है, वेल्डिंग के तुरंत बाद जॉब को हाथ से छूकर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हाथ जलने की संभावना रहती है। पाँचवा है, वेल्डिंग स्थल पर आग बुझाने तथा प्राथमिक चिकित्सा के लिए समुचित प्रबंध होने चाहिए। तो ये जो पांच प्रिकॉशंस या सावधानियां थी वो थी व्यक्ति की सुरक्षा और उपकरण की सुरक्षा। इसके बाद में हम अलग अलग गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की सावधानियों के बारे में देखते हैं। गैस वेल्डिंग के समय गैस का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों के सिलेंडरों को खड़ा करके सही स्थिति में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना चाहिए। दूसरा इसमें है, सिलेंडर से निकलने वाली गैस को कभी भी सूंघने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में है, ऑक्सीजन के प्रेस रेगुलेटर तथा पाइप आदि को एसिटिलीन के लिए अथवा एसिटिलीन के प्रेशर रेगुलेटर तथा पाइप आदि को ऑक्सीजन के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें अगला है, वेल्डिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद दोनों सिलेंडरों के वाल्वों को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। साथियों, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इसमें गैस लीकेज की वजह से कभी भी आग लगने की संभावना हो सकती है। इसके बाद में हम करेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में रखी जाने वाली सुरक्षा सावधानियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली है, वेल्डिंग करते समय सभी केबल्स भली भांति लिपटे हुए होने चाहिए। उसके बाद गीले जूते या गीले दस्ताने पहनकर कभी भी वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए।
उसके बाद में इलेक्ट्रोड होल्डर को कभी भी मेज पर या ज़मीन पर पड़े किसी धातु के टुकड़े पर रखा नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक केबल कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कटी हुई होगी तो उससे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे करंट आ सकता है और वो किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग करते समय चश्मा, हेलमेट आदि आवश्यक रूप से पहनने चाहिए। साथियों, विद्युत आर्क को कभी भी बगैर चश्मे के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों में काफ़ी परेशानी हो सकती है। और इसके बाद में नेक्स्ट है, गर्म इलेक्ट्रोड को स्वयं ही ठंडा होने देना चाहिए, उस पर कभी भी पानी डालकर ठंडा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और लास्ट है इसके अंदर, वेल्डिंग मशीन को सही प्रकार से अर्थ किया हुआ रखना चाहिए। साथियों, ये थी वेल्डिंग करते समय रखी जाने वाली सुरक्षा सावधानियाँ। आज के इस ई लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।